स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। जी हां, टाइटल पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बातचीत करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं घर की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट महिलाओं में से एक, जैस्मिन भसीन की। जैस्मिन की अगर आप देखेंगे दोस्तों चीजें, तो जैस्मिन की चीजें साफ है। जैस्मिन इमोशनल है, बट साथ ही साथ वो स्ट्रांग भी है। जैस्मिन टास्क बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, वो लड़ती भिड़ती है और वन लाइनर्स मारती है कि अगर तू खान है तो मैं भी भसीन हूं। और ऐसे में जैस्मिन अपने फैंस को सोशल मीडिया पे जो है, मतलब एक तरीके से एक यू नो एनकरेजमेंट दे देती है ताकि वो उसके नाम के हैशटैग चालू कर सके। अब दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से जैस्मिन जो है वो दोस्ती यारी के चक्कर में दिख रही है। हम सबको पता है कि रुबीना अभिनव के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, उसकी पड़ोसी है ये लोग। और ऐसे में जैस्मिन कहीं ना कहीं, सच बता रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ओवरशैडो भी हो रही है जस्ट बिकॉज रुबीना और अभिनव की वजह से। हम सबको पता है दोस्तों कि रुबीना अभिनव जो है वो भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, वो भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों जैस्मिन, रुबीना, अभिनव, इन तीनों की तिकड़ी जो है शो में आगे बढ़ रही है। लेकिन हमने काफी ऐसे सर्कमस्टेंसेस देखे हैं जब जैस्मिन का फैसला जो है या जैस्मिन की सोच जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ग्रुप वाली दिखी, मतलब कि जैस्मिन जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड नजर आई दोस्तों रुबीना और अभिनव से। ये पास की बातें हैं, लेकिन कल के दिन एक ऐसा हादसा हो गया जहां पर मैं ये खुले तौर पे कह सकता हूं कि जैस्मिन जो है अब इन दोनों की यानी कि अभिनव रुबीना की छत्र छाया से ऊपर बढ़ रही है, उसकी उनकी छत्र छाया से वो निकल रही है। रीजन क्या है सुनिए ध्यान से। कल हमने देखा किस तरीके से नवरात्रि फेस्ट को सेलिब्रेट किया गया था, जो कि बिग बॉस की तरफ से एक बहुत ही पुअर आयोजन था, क्योंकि फेस्टिवल का मौका है, आप कैसे कह सकते हो, निकी को पावर देकर कैसे कह सकते हो कि दो लोगों को बाहर निकाल दे। ये मैंने अपने रिव्यू में पूरी तरीके से डिटेल में डिकोड किया है, आप जरूर देखिएगा वो जरूर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर निशांत मलकानी और राहुल से और जैस्मिन से पूछी जाती है कि किसका आपको बेस्ट लगा। यहाँ पर हर कोई इस बात को लेकर बैठा था कि डेफिनेटली जैस्मिन जो है वो रुबीना अभिनव का ही नाम लेगी। दिन रात ऊपर नीचे उनके साथ बैठती है, दिन रात बातचीत करती है, और प्लस अगर देखा जाए तो वो उनकी अलायंस है, ठीक है। अब ऐसे में हम तो उम्मीद लगा कर बैठे थे, लेकिन यहां पर वो क्या कहती है, यहां पर वो कहती है कि मुझे जो है निक्की और इसका ज्यादा पसंद आया। सो व्हाट वाज दैट? हम सबको बताएं, निक्की का सिर्फ और सिर्फ सिडक्टिव डांस था और कुछ नहीं था, और प्लस ये अभिनव और रुबीना का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ था, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ शुरू हुआ था। इवन दो एनर्जी कम थी, बट लेकिन फालतू की एनर्जी नहीं थी, फालतू के घटिया एक्सप्रेशंस नहीं थे जो कि हमने दूसरे डांस में देखे, नवरात्रि जैसे पावर उसमें देखे। सो दोस्तों यहां पर जैस्मिन जिस तरीके से स्टैंड लेती है या जिस तरीके से जैस्मिन जो है अलग होती है, तो ये तो भैया साफ है कि जैस्मिन जो है अब धीरे धीरे करके रुबीना अभिनव की छत्र छाया से निकलेगी। और प्लस जिस हिसाब से लोग ये कहते, वो जो डॉल वाला टास्क हुआ था, फायर स्टेशन वाला टास्क जो हुआ था, उसमें सोशल मीडिया पे क्या कह रहे थे लोग कि अभिनव ने इन्फ्लुएंस कर दिया, जैस्मिन को इन्फ्लुएंस कर दिया। और जैस्मिन के ऑफिशियल ट्वीट आए थे दोस्तों कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट उसमें टास्क में अलग चेहरा दिखेगा। सो यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं जैस्मिन को ये बात समझ में आ गई है कि वो इन्फ्लुएंस हो रही है, इंटिमिडेट हो रही है, और वो धीरे धीरे करके उस छत्र छाया से निकलेगी। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में, इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। मैं नया हूं चैनल में, सो आपका सपोर्ट चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में जाके सपोर्ट अवश्य करें। थैंक यू।